अभी गाइस यहाँ से हम डोसा और चिकन खाए और चिकन खा के जस्ट अभी निकल रहे हैं। हाय कर दीजिए। और ये भैया है बहुत ही अच्छे। हमारा होटल वाओ शाम में, तो मतलब अगर आप एक शर्ट लेते हैं वो तो लगा था कि 5000-6000, लेकिन नहीं, अगर आप एक शर्ट लेते हैं यहाँ तो आपको 15,000-20,000 पे करना होगा। तो एक हमारा था पटना में चाणक्य अकेडमी, पढ़ो ज्ञान लो। और एक चाणक्य और उधर बहुत सारा बंदर है। अभी जस्ट हम निकले खाना खाने के लिए और देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। एक तो मेरे पास ऑप्शन तमिलनाडु है और वहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है। मतलब हम 2 दिन खाए और उस जगह के फैन हो गए। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं खाने खाने के लिए। खाना खाने के बाद बाकी का जो टूर है वो हम कराएंगे। आपको पीछे से बैकग्राउंड दिख रहा होगा कि कितना अच्छा लग रहा है। तो हम जाते हैं और हमारे आगे से ऑटो होता है तो ऑटो लेते हैं और ऑटो लेकर जाते हैं। हमारा 50 से 100 रुपये भाड़ा लगेगा और जाते हैं। तो भूख बहुत जोर से लग गया, सुबह का ही ब्रेकफास्ट किए हुए हैं। तो जाते हैं खाते हैं, उसके बाद हम आते हैं, फिर जो भी होता है बात करते हैं। तो हमारा यहीं पर ऑटो मिलता था लेकिन अभी ऑटो यहाँ पे दिख नहीं रहा। थोड़ा तबीयत भी खराब टाइप का लग रहा है। तो थोड़ा सा आगे जाते, आगे जाके मिल जाता ऑटो। और ये देखिए ये यहाँ पे ना आर्मी मेस हाउस टाइप का है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस का भी है। देखिए दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी, दूर है दिख नहीं रहा, सिक्योरिटी ऑफिस होगा या जो भी हेडक्वार्टर होगा, जो भी होगा। तो अभी हम जाते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमको ऑटो मिलता है। थोड़ा सा आगे जाएंगे मिलेगा तो जैसे ऑटो के पास पहुंचता है गाइज वैसे ही हम बताते हैं। तो गाइज ऑटो मिल गया और जल्दी से जाते हैं ऑटो पे बैठते हैं और भैया ही लेकर चलेंगे जहाँ पे भी लेके जाएंगे। और जाएंगे जल्दी जल्दी खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लग गया। खाने के बाद आते हैं तो ताज का जो जो प्लेस जो नहीं कवर किए वही कवर करते, क्योंकि आज कल हमारा 12 बजे तक रुकेंगे। 12 बजे के बाद फिर वहाँ से चेकआउट करना होगा। तभी हम जाते हैं ऑटो पे बैठते हैं, फिर जैसा होता है बात करते हैं। तो गाइज जब जैसा हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे बट ऑटो आया नहीं। वो आया, रुका भी, लेकिन उसको कहीं और था जाना तो नहीं गया। फिर हम कैब बुक किए तो अभी हम बैठे हुए हैं। और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे का तमिलनाडु हाउस, वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से पास में ही है। और तो बस 10 से 12 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ये जो तमिलनाडु हाउस है वहाँ लाइक आपको साउथ इंडियन खाना मिलेगा, मतलब इडली डोसा यही सब, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। ऑलरेडी हम कल भी गए थे वहीं और परसों भी गए थे वहीं, बट हम वहाँ का कुछ शूट नहीं कर पाए थे तो हम सोचे आज हम आपको प्रॉपर दिखाते हैं। और वो हमारा गवर्नमेंट का है और बहुत ही अच्छा है। तो अब चलिए चलते हैं वहाँ, जो भी रहता है जैसा भी रहता है, अगर शूट करने देता है तो करते हैं, अगर नहीं करने देता है तो कोई बात नहीं, तो जितना रहता है हम आपको दिखाते हैं। और अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं तमिलनाडु हाउस, तो वो एक ऐसा है जो वहाँ हर कोई नहीं जा सकता है। तो चलिए हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा है क्या है। तो हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं ताज में, तो यहाँ के आसपास मतलब जितने भी बिल्डिंग है वो जो भी है सारे एमएससी का है। कतर का दिखे, हमको कतर का भी दिखा था और यहाँ पे और ऊपर से अलग अलग स्टेट का था, यूपी का भी, बिहार का भी एक दिखा था बिल्डिंग, देन हमारा एमपी का दिखा था। तो यार इधर आसपास जितना भी है सारे हमारे बड़े बड़े स्टेट का एमएससी टाइप है। फिर और भी पता नहीं क्या क्या है गाइस, उतना हमको समझ में भी नहीं आता। छोड़िए हटाइए, चलिए खाना खाना। जैसा आपको पता है कि अभी हम जा रहे हैं तमिलनाडु भवन, तो जहाँ पे हम रुके हैं मतलब ताज से तमिलनाडु 8 किलोमीटर दूर था। और यहाँ ये एरिया ऐसा था ना कि यहाँ पे ना आपको खाने पीने का ऐसा स्टॉल दिखेगा ना कुछ दिखेगा। यहाँ पे आपको जैसे तमिलनाडु भवन हुआ वैसे ही बड़ा बड़ा एम्बेसी था, जैसे बड़ा बड़ा भवन, जैसे उत्तराखंड भवन हो गया, बिहार भवन हो गया, एक कतर का हो गया, ताकि वहाँ के जो भी गवर्नमेंट रहते हैं तो उन लोग का अगर मीटिंग वगैरह रहता है, मान लीजिए तमिलनाडु का गवर्नमेंट है, तो वो तमिलनाडु भवन में आते हैं, वहां स्टे करेंगे, वहां मीटिंग वगैरह होगा। तो जहां हम लोग जा रहे हैं तो वहां भी जाना आम बात नहीं था। वहां से मेरा कुछ था पर्सनल, वो हम आगे आपको बताएंगे। और बाकी आप रोड पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी हमको और भी अच्छे अच्छे होटल देखने के लिए मिला था। इसके आसपास में ही हयात था और इसके आसपास में ही एक कतर का भी था, कतर का जो मतलब हमारे कंट्री का भी नहीं है। तो फाइनली अब हम पहुँचते हैं तमिलनाडु भवन। तो अब हम बताते हैं कि यहाँ हमको क्यों बुलाया गया था। यहाँ से हमको इनविटेशन मिला था, कुछ है आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या है नहीं है। तो हम लोग यहाँ गए थे बट यहाँ जो तमिलनाडु भवन है यहाँ हर कोई नहीं जा सकता, यहाँ हर कोई को लाइक अलाउ ही नहीं किया जाता। और हमको 5 दिन का वहाँ पास मिला था कि हम 5 दिन आकर वहाँ खाना खा सकते। और आप यहाँ का शुद्धता देख रहे हैं कि कितने अच्छे भाई, इतना अच्छा गिलास तो हम अपने घर में भी नहीं पिए होंगे जिसमें चाय, और चाय भी मतलब अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। और थोड़ा सा ये होटल टाइप
स्ट्रिक्ट टाइप था। और इसमें हम यहाँ तक, यहाँ पे जनरली क्या हो गया कि केरला साइड के कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पे है तो जनरली उन लोग आते हैं, उन लोग खाना खाते हैं, उन लोग स्टे करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम मंगाए थे, वहाँ के भैया बताए कि मैम लाछा पराठा और चिकन मंगाइए, और यहाँ पे लोग ये क्या रायता टाइप भी दिए थे, रायता दिए थे। फिर वहाँ से मिला, बट हम भले वहाँ 3 दिन आए थे लेकिन पास मेरे 5 दिन का था, तो यहाँ से भी मेरा कुछ अभी अच्छा खासा बात चल रहा है। अब देखते हैं इन द फ्यूचर क्या होता है, वो आप लोग भी बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आप लोग को भी कंटिन्यू पता चल जाएगा। मेरे को तो इनविटेशन मिला था तब हम तमिलनाडु भवन गए थे, लेकिन ये तमिलनाडु भवन बहुत ही अच्छा था गाइज, बहुत ही अच्छा। तो हम फिर खाते हैं, अब आप लोग को लग रहा है कि बाप रे कितना सारा खाएगी, लेकिन नहीं गाइज, भूख भी लगा हुआ था हमको काफ़ी ज़ोर से, तो जितना मेरे से होता है उतना खाते हैं। तो खाने पीने के बाद अब आपको बताते हैं कि हमको आखिर इसका टेस्ट कैसा लगा। और तमिलनाडु भवन का तो डोसा, ओ माय गॉड, मतलब डोसा, वैसे भी इडली डोसा हमारा साउथ का ही फेमस होता है, और तमिलनाडु ये भी तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा साउथ से ही है। फिर हमारे माता श्री का फोन आता है कि कहाँ खाए ना खाए कोची खाए, और ये डोसा इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी, मतलब आप बिलीव नहीं कीजिएगा। हम जितना दिन ताज या तमिलनाडु में भी हम 3-4 दिन कंटिन्यू गए थे, 3 दिन शायद गए थे, 3 दिन गए थे, तीनों दिन हम डोसा खाए थे, हमको डोसा इतना अच्छा लगा था, इतना ज़्यादा टेस्टी था, उसका ग्रेवी भी। तो अभी गाइस यहाँ से हम डोसा और चिकन खाए, और चिकन खा के जस्ट अभी निकल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे एक चाणक्य करके मॉल है तो हो सकता है वहाँ पे जाए या फिर कैसे जाए। मतलब इतना ज़्यादा हम थक गए ना, इतना ज़्यादा कि हमको समझ में भी नहीं आ रहा हम क्या बोले नहीं बोले। और ये जो हमारा तमिलनाडु हाउस था ना, ये बहुत ही मतलब ऐसा हाउस है कि यहाँ हर कोई नहीं जा सकता। जनरली यहाँ सब साउथ के लोग हैं, तमिल के लोग हैं, और बहुत ही अच्छे, बहुत प्यार से खिलाते हैं, बहुत ही प्यारा था। तो अभी जस्ट हम यहाँ से निकले, अब देखते हैं मॉल में जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत थक भी गए गाइस, देखते हैं। जस्ट हमारे सामने ही है, तो अगर जाते हैं तो दिखाते हैं, अगर नहीं जाते तो सीधा चलते हैं महल में अपना, और क्या। तो हम लोग पहुंच गए, हमारा तमिलनाडु हाउस है, और ये देखिए, और इधर हमारा उत्तराखंड हाउस है, और उधर एमएनसी पता नहीं क्या है, और ये हमारा, हाँ देखिए ये हमारा उत्तराखंड हाउस है। यहाँ लाइक ऐसा है ना, यहाँ ऐसा है कि हर स्टेट का, जैसा हम आपको पहले भी बताए थे कि हर स्टेट का अलग अलग हाउस है। तमिलनाडु हाउस दिखा है, उत्तराखंड हाउस था, फिर बिहार हाउस भी है, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब हम लोग जिस एरिया में हैं लाइक ताज के आसपास वाले में, तो यहाँ सारे बड़े बड़े ही लोग का है। मतलब इधर ऐसा छोटा मोटा शॉप नहीं देखने के लिए मिलता है या मिल रहा है, या फिर छोटा मोटा दुकान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी है प्रॉपर एक अलग वे में है। तो हम जाते हैं, देखते हैं बगल में चाणक्य मॉल में, तो जाते हैं तो बताते हैं, अगर नहीं भी जाते हैं तो सीधे आपको हम होटल में लेकर चलते हैं, ठीक है गाइस। चलिए तो हम आपको लेकर चलते हैं चाणक्य हाउस में, और बहुत देर तक चश्मा पहनते पहनते भी थक गए, ये दुखने भी लगता है गाइस। चाणक्य हाउस में लेकर चलते हैं, बहुत ही बड़ा है, पता नहीं कैसा है। हम लोग आए तो देखे कि यहाँ पे है, देखिए, पता नहीं एक मेरा बोलने का आदत है, हम आए तो अब आपको लेकर चलते हैं चाणक्य हाउस में। यहाँ शॉपिंग तो नहीं करेंगे दूर दूर तक, बट आए तो देखते हैं कैसा है। और ये हमारा है चाणक्य हाउस, और ये हमारा रोड है गाइस। तो यही है हमारा चाणक्य मॉल, तो चलिए अंदर भी आपको घुमाते हैं, अंदर लेके चलते हैं, अंदर में क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है, इधर से ही घुसेंगे। चलो गाइस चाणक्य लेकर चलते है चाणक्य मॉल। तो एक हमारा था पटना में चाणक्य अकेडमी, पढ़ो ज्ञान लो। अरे चाणक्य, और उधर बहुत सारा बंदर है, बाप रे देखिए आ गया, बैठा हुआ है वहीं पे। और ये हमारा चाणक्य मॉल है, जहाँ आप सुंदर सुंदर ड्रेस खरीद सकते हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा कैसा ड्रेस है गाइस। तो अभी हम इसके अंदर आ गए मॉल, और मॉल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, देखिए कितना प्यारा मॉल है, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। देखते हैं अभी हम कहाँ कहाँ जाते हैं, पहले ना पूरा घूम लेते हैं कैसा है क्या है, उसके बाद अगर कुछ लेना रहेगा तो लेंगे, वैसे लेना तो नहीं रहेगा, वो हम सरोजनी से जाके ले लेंगे, बट पहले देखते हैं कैसा है क्या क्या है, और आपको भी दिखाते हैं गाइस। ये देखिए यहाँ पे कितना एकदम सुंदर सुंदर कपड़ा है, लेकिन बड़ी महंगा भी होगा ये हमको भी पता है। और यहाँ पे देखिए हमारी चाइनीज दीदी बैठी हुई है, और उधर भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा ये गाना वो आदमी गा रहा है, और दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे कितना पता नहीं क्या क्या लिखा रहा है, आम इमली, तो हमको उतना समझ में भी नहीं आ रहा है। तो जैसा होता है गाइस हम ऐसा बताते हैं,
देखते ऊपर जाने का भी रास्ता है या नहीं। यहाँ पे ट्रॉली है, यहाँ पे लड़का लोग के लिए कपड़ा लगता है, यह वाला ठंडा वाला लगता है, जूता भी है। ये बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा रे बाबा। ठीक है गाइस, ऊपर जाएंगे या कहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे तो यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए हमारा पटना का PNM जैसा आव का, PNM से थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं है। कपड़ा तो बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है, इतना अमीर रहते ना कि सबका पड़वे ले लेते। हम सरोजनी का 200 वाला टी शर्ट पहन लिया गाइस। नहीं भाई 650 के आपको क्या लग रहा है। ठीक है गाइस, देखते ऊपर जाते हैं और ऊपर का आपको दिखाते हैं कुछ कुछ। गाइस तो हमको लगा था ना कि यहाँ थोड़ा बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ का जितना भी ब्रांड है ना, वो सारा इंटरनेशनल ब्रांड है। मतलब अगर आप एक शर्ट लेते हैं वो तो लगा था कि 2-5 हज़ार 6 हज़ार, लेकिन नहीं, अगर आप एक शर्ट लेते हैं यहाँ तो आपको 15 से 20 हज़ार पे करना होगा। सारे ब्रांड, सारे इंटरनेशनल ब्रांड है, अजीब है गरीब है, गुच्ची पराडा कुछ नहीं है, सब बहुत महंगा महंगा। तो हम तो यहाँ से निकलते सोचे तो ऊपर जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, यहाँ से पूछ और ये हम निकले अब बाहर। अब चलते अपना होटल में, हम थक भी गए गाइस बहुत ही ज़्यादा। हम यहाँ से बाहर निकले, बाहर निकल कर हम चले अपने होटल। गाइस यही था वो मॉल जहाँ हम गए चाणक्य में, कुछ लिए नहीं और हम अपने औकात के हिसाब से लेकर आते हैं आपको। यहाँ रोड पर वाला जहाँ से हम हर चीज़ खाते हैं, 24 घंटा खा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, और यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत महंगा है, 15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार, उतना कुछ नहीं होने वाला गाइस। तो हम निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम निकल गए रोड पर वाला से और इधर का वाला से, चले अपना होटल में सोएंगे। बहुत ज़्यादा थक गया गाइस, बहुत ही ज़्यादा। एक ना रहता है कि बाहर आएंगे घूमेंगे मज़ा करेंगे एंजॉय करेंगे, वो 1 से 2 दिन के लिए ही होता है। और ऊपर से हमको तो इतना ज़्यादा काम निपटाना था, इतना ज़्यादा काम कि अभी तक सोचिए कल हमको चेकआउट भी करना है और अभी तक मेरा प्रॉपर शूट भी नहीं हो पाया जो का होना था। देखते हैं, 1 घंटा रेस्ट करने के बाद रात में फिर से शूट है। इतना सब लोग को लगता है ब्लॉगर लोग का भाई लाइफ बहुत ईजी होता है, हम लोग पता है मेंटली फिजिकली दोनों थकते हैं। अभी हम चल रहे हैं उसमें भी थक रहे हैं और ऊपर से हम बोल रहे हैं उसमें भी थक रहे हैं। मतलब मेरा बोलते बोलते भी हालत खराब होता है और चलते चलते भी हालत खराब होता है। इससे होता है क्या ना कि पूरा मेरा सर पकड़ लेता है। बिलीव नहीं कीजिएगा, हम रोज पामाजीन गोल्ड खा के चल रहे हैं और खा के शूट कर रहे हैं। खाना थोड़ा बहुत खा रहे, ऊपर से पर डे 1 दवाई खा रहे तभी चल पा रहे, बट कोई नहीं, चलते सीधे होटल, ऑटो लेते हैं और ऑटो लेके जाते हैं। बाकी अब हम जो भी दिखाते। और हाँ गाइस, दिल्ली का ये एरिया क्या, दिल्ली में जितना दिन भी घूमे आप लोग एकदम लाइव देख सकते हैं कि कितना पेड़ पौधा है, कितना पेड़ पौधा। मतलब हम जहाँ भी घूमे ना, पेड़ तो यहाँ हर जगह था और प्रॉपर रोड भी सब था। ये चीज़ हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब और देखिए गाइज, यही है हमारा कतर भवन, कह रहे थे ना कि कतर भवन है। देखिए वहाँ से लेकर वहाँ तक ये कतर भवन ही है और फिर हम पहुँच जाते हैं अपना ताज पैलेस। देखिए लाइन से एकदम गाड़ी लगा हुआ है और आते टाइम हमको ऑटो मिल गया था। और ताज पैलेस का ना मेन एंट्री कहाँ से होता है आज हम आपको वो दिखाते हैं। ये वाला गेट नहीं और वो जो सामने दिख रहा है वही है हमारा ताज पैलेस, और यहाँ पे जो भैया है वहाँ पे। तो चलिए आज हम आपको अंदर का टूर कराते हैं कि कैसा है क्या। गाइज हम पहुँच गए, देखिए यही ये लोकेशन हम जहाँ पे रुके हैं, मतलब ताज के पास, और यहाँ पे हमारा ताज पैलेस। और ये छोटा सा कैफे टाइप है, कैफे कॉफी, और उसके जस्ट आगे वहाँ पे जो दिख रहा है ना दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, और ये हमारा आ गया। चलते हैं अब अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं, हाय कर दीजिए। और ये भैया है बहुत ही अच्छे। तो फाइनली गाइस पहुंच गए और भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और यहाँ पे हमारा मिरर टाइप है, पता नहीं क्या है यार, दिन जिधर जाइए ना मुँह देखने के लिए। ताज वाला कहता ना, देख रहे सलापना को, आप देखते चल सब ऐनक में। और ये रहा हमारा होटल, वाह शाम में तो। और गाइस आज मैच भी है दिल्ली और मुंबई का। तो खा पी के और पहुँच गए अपने होटल में और अब जाएंगे ऊपर जाके फिर से रेस्ट करेंगे और फिर नहीं तो देखते क्या क्या करते। बहुत ज़्यादा थक गया गाइस, हर 5 मिनट के बाद हम यही बोलते थक गया, बट सच में बहुत ज़्यादा थक गया। तो फाइनली अभी हम अंदर आ गए और आप लोग को पीछे का व्यू भी दिख ही रहा होगा। अब सीधे चलते हैं अपने रूम में। ये देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा लग रहा है, ये सब फ्लावर भी बहुत सुंदर है।
तो हम सीधे चलते हैं हम लोग ऊपर, फिफ्थ फ्लोर पे मेरा रूम है, तो जाते हैं वहाँ कुछ देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से नीचे आएंगे। गाइस तो अभी बज रहा है रात के 8:30 हो रहा है और अब फिर से जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमको फिर से शूट करना है। और देखते हैं अगर पूल में पानी ठंडा रहेगा, गर्म थोड़ा रहेगा तो नहाएंगे, अगर ज्यादा ठंडा रहेगा तो नहीं नहाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा आवाज एकदम बैठा बैठा सा लग रहा है। अगर ज्यादा नहा लिए तो पता चला कि आधा टाइम बोल भी नहीं पाएंगे। तो अभी जस्ट हम जा रहे हैं गाइस, बाकी जैसा होता है हम आपसे नीचे मिलते हैं।